गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे, वी विल डिस्कस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी विल आल्सो डिस्कस गेलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट टू बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट टॉपिक आज हम बीएससी प्रथम सेमेस्टर के भौतिक विज्ञान विषय के द्वितीय यूनिट का एक महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षण बिंदु का नाम है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम तथा गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन आज के व्याख्यान में हम जानेंगे कि इनर्शियल तथा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और इनर्शियल तथा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच ट्रांसफॉर्मेशन को गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कैसे समझा जा सकता है मैं डॉ नवल किशोर लोहनी भौतिक विज्ञान विभाग एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये निर्देश फ्रेम की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है आखिर ये निर्देश फ्रेम क्या होता है निर्देश फ्रेम को समझने के लिए हमें समझना होगा कि मान लीजिए कि भौतिक विज्ञान में आप किसी इवेंट की किसी घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं अब घटना कुछ भी हो सकती है मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं पंखा चल रहा है तो आप पंखे को ऑब्जर्व कीजिए मान लीजिए आप बाहर फील्ड में खड़े हैं आप किसी बर्ड को उड़ते हुए देख रहे हैं तो बर्ड के उड़ने को एक घटना कह सकते हैं आप, आप मान लीजिए किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं और पेड़ के किसी टॉप पर आपको एक आम लटका हुआ दिख रहा है आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो इवेंट क्या है जो घटना का आप अध्ययन करना चाह रहे हैं अब उस घटना का अध्ययन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं ऐसा सोच लेते हैं ऐसा मान लेते हैं कि माना एक पार्टिकल पी स्पेस में कहीं पर लोकेटेड है तो अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल पी किसी बिंदु पर है तो ये बात कहने से पहले मुझे एक निर्देश फ्रेम का निर्माण करना पड़ेगा निर्देश फ्रेम का निर्माण मतलब मतलब कि अगर हम किसी बिंदु को लोकेट कर रहे हैं उसको पोजीशन दे रहे हैं उसको स्टेट दे रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा हमको एक निर्देश फ्रेम चाहिए होगा अब निर्देश फ्रेम से आप सभी फैमिलियर हैं किंतु निर्देश फ्रेम को समझना ऐसे है कि मान लीजिए कि पी एक पार्टिकल है जिसका अध्ययन करने के लिए आप सबसे पहले एक ओरिजिन कहीं पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर मैंने ओरिजिन एज्यूम कर लिया ओ अब उस ओरिजिन के साथ थ्री म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर एक्सेस एज्यूम कर लीजिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस तो जो एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है जेड एक्सेस है ये आपस में म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर है और ओ जो ओरिजिन बिंदु है वहाँ पर तीनों एक दूसरे से इंटरसेप्ट हो रहे हैं तो ये जो सेट है तीन एक्सिस का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस का सेट विथ ऑरिजन इसी का नाम है निर्देश फ्रेम इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एज्यूम करते हुए किसी पार्टिकल पी की पोजीशन को हम निरूपित करते हैं तो आप सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि निर्देश फ्रेम क्या होता है तो आपको क्या बोलना है आपको बोलना है टू डील द मोशन ऑफ ए पार्टिकल वी कैन एज्यूम विथ थ्री म्यूचुअल डायरेक्शन डायरेक्शन किसी घटना या किसी कण का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले एक ओरिजन के साथ तीन एक्सेस जो आपस में परपेंडिकुलर है उनको एज्यूम कर लेते हैं और यही सेट हमारा निर्देश फ्रेम कहलाता है अब निर्देश फ्रेम से या निर्देश फ्रेम की सहायता से किसी कण या किसी पार्टिकल की पोजीशन को आप कैसे निरूपित करते हैं तो जैसे ये वाई एक्सेस हो गई अब आप ये देख रहे हैं कि एक पार्टिकल पी को यदि हम ओरिजिन से सीधी एक रेखा से जोड़ दें पार्टिकल पी को हमने एक वायलेट कलर की लाइन से जोड़ दिया है और इस वॉयलेट कलर की लाइन को ही आप लोग पोजिशन वैक्टर के नाम से जानते हैं पोजिशन वैक्टर को निरूपित करने के लिए आप लोग लिखा करते हैं आर इज इकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जहां पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पार्टिकल पी की पोजिशन है अब सभी लोग पोजिशन वैक्टर से भली भांति परिचित हैं आप लोगों ने पोजिशन वैक्टर को क्लास इंटरमीडिएट में पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे एक दूसरे वेक्टर में जहाँ पर पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया गया है उस लेक्चर को भी आप अटेंड कर सकते हैं अब पोजीशन वेक्टर यानी कि एक कण की एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, जेड पोजीशन को उनकी डायरेक्शन के साथ आई कैप जे कैप के कैप के साथ ऐड करते हुए निरूपित करते हैं अब इस आर को हम वैसे तो सामान्य भाषा में यानी गणितीय भाषा में इसको हम पोजिशन वैक्टर बोलते हैं लेकिन भौतिक विज्ञान में ये केवल पोजीशन वेक्टर नहीं है जब भौतिक विज्ञान में इसको आप समझने की कोशिश करते हैं तो भौतिक विज्ञान में ये पोजीशन वेक्टर कहने के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको स्टेट ऑफ ए पार्टिकल कहें जो पार्टिकल की स्टेट को निरूपित करता है अब भौतिक विज्ञान में स्टेट क्या होती है अवस्था क्या होती है भौतिक विज्ञान में अवस्था होती है जो किसी निर्देश फ्रेम में किसी कण की स्थिति के बारे में हमें बताती है साथ ही ये एक ऐसा फंक्शन होती है मैथमेटिकली जो कुछ चरों के द्वारा निरूपित की जाती है अर्थात पोजीशन इज नॉट ओनली अ पोजीशन वेक्टर पोजीशन इज एक्चुअली स्टेट ऑफ ए पार्टिकल और स्टेट ऑफ ए सिस्टम टू हुम वी आर गोइंग टू डिफाइन इन ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस स्टेट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल्स तो यहाँ पर जैसे फंक्शन क्या है यहाँ पर आर अगर स्टेट है तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं तो अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो आर पोजिशन वैक्टर एक्स वाई जेड यानी आर स्टेट एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का फंक्शन मान लीजिए कि अब दो रेफरेंस फ्रेम है एक रेफरेंस फ्रेम आप हैं, जो किसी बर्ड को या किसी सपोज करो किसी पेड़ में आम को आप देख रहे हैं तो आप एक निर्देश फ्रेम है आप जहां पर भी खड़े हैं उस जगह को आप एक ओरिजिन मान लीजिए और वहां से आप अपने मन से तीन एक्सेस एज्यूम कर लीजिए एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस तो यदि आप किसी पेड़ में लगे किसी आम को निहार रहे हैं ग्राउंड में खड़े होकर किसी स्थान से तो आप अपने आप को एक ओरिजिन बिंदु पर रखते हुए अपने से तीन म्यूचुअली प्रपैंडिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए एक एक्स एक्सेस मान लीजिए एक वाई एक्सेस मान लीजिए एक जेड एक्सेस मान लीजिए तो अब मैं कह सकता हूं या अब हम कह सकते हैं कि आप एक निर्देश प्रेम हैं ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि आपका एक मित्र है आपका दोस्त है जो आपसे कुछ दूरी पर है और वो भी उस आम को निहार रहा है या वो भी उस बिंदु की एनालिसिस कर रहा है स्टडी कर रहा है उस इवेंट की जिसकी आप कर रहे हैं तो फिर वो भी अपने आप को एक ओरिजिन बिंदु मानते हुए थ्री म्यूचुअली प्रपेन्डिकुलर एक्सेस एज्यूम कर ले एक एक्स डैश एक्सेस एक वाई डैश एक्सेस एक जेड डैश एक्सेस तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि ओ और ओ दो रेफरेंस फ्रेम है जो किसी पार्टिकल पी की स्टडी कर रहे हैं अपने अपने ओरिजिन से अपने अपने एक्सेस के साथ यानी ओ विथ एक्स वाई जेड एंड ओ डे विथ एक्सडे वाई डेस जेड डेस दो रेफरेंस फ्रेम है दो निर्देश फ्रेम है और पार्टिकल पी की स्टडी की जा रही है अब यदि पार्टिकल पी की पोजीशन वेक्टर को पहले फ्रेम से निरूपित किया जाएगा तो पहले फ्रेम से निरूपित करते समय हमारा जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के क्योंकि पहले वाले ओरिजिन यानी पहले फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं और दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्स डेस वाई डेस जेड है अब पहले फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर यानी स्टेट हमने ड्रॉ की है वो आपको दिख रही होगी एक लॉन्ग वेक्टर है ओ से पी को जोड़ने वाला जिसको निरूपित किया जा रहा है आर इज इकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से और ओडेस रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल पी की पोजीशन को निरूपित किया जा रहा है आर इज इकल टू एक्सडेस आई वाई डे प्लस जेड के जहां पर एक्स डेस वाई डेडेस पोजिशन वैक्टर है रेफरेंस फ्रेम ओडेस से पार्टिकल के लिए अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो दो निर्देश फ्रेम है ओ और ओडेस और जो ये पार्टिकल पी का स्टडी कर रहे हैं इन दो रेफरेंस फ्रेम को आपस में क्या कहेंगे इसी को और बेहतर समझते हैं यदि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं एक ओ है एक ओडेस है, है एक कोई और फोर या ओ डबल डैश और ट्रिपल डैश एजूम कर लें जैसे हमने बहुत सारे रेफरेंस फ्रेम दिखाने की कोशिश की है कि एक रेड कलर से है एक यहाँ पर देखिए आप एक आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है एक ब्लू कलर का दिख रहा है और एक येलो कलर का दिख रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम है यानी कि हर कोई एक औरिजन है उसके साथ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं तो बहुत सारे लोग यानी मान लीजिए कि एक आम के पेड़ में लगे हुए आम को आपके बहुत सारे मित्र ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं और और बेहतर समझना है तो किसी पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है जिसको आप लोग सभी लोग फील्ड में ग्राउंड से देख रहे हैं तो सब लोग अपने आप में एक रेफरेंस फ्रेम है यदि वो अपने आप को ओरिजिन मान लेते हैं और थ्री म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर एक्सेस अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं अब सभी लोग पार्टिकल पी को देख रहे हैं यानी कि उस इवेंट की एनालिसिस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसी तरीके से अगर दो रेफरेंस फ्रेम में हमने जो बात कही है दो पोजीशन वेक्टर की ये आपको अभी बताया था इससे पहले कि मान लीजिए पार्टिकल पी अगर दो रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व हो रहा है तो ये दो रेफरेंस फ्रेम ओ और ओडेस आपस में क्या कहलाते हैं इन्हीं को सोचना है इन्हीं के बारे में बात करनी है क्योंकि रेड कलर का रेफरेंस फ्रेम एक रेफरेंस फ्रेम है और ब्लू कलर का रेफरेंस फ्रेम दूसरा रेफरेंस फ्रेम है यानी दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम हैं अर्थात यदि किसी मधुमक्खी के छत्ते को आप और आपका मित्र ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं देख रहे हैं तो आप एक रेफरेंस फ्रेम हैं और आपका मित्र दूसरा रेफरेंस फ्रेम है अब ये जो दो रेफरेंस फ्रेम हैं इनके बीच अगर इंटर रिलेशन निकालना हो यानी अर्थात अगर आपका दोस्त और आपके द्वारा जो पार्टिकल पी की स्टडी की गई है उन दोनों के बीच कोई इंटर रिलेशन स्थापित करना हो आपसी संबंध स्थापित करना हो तो किस प्रकार करेंगे तो यानी मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त के द्वारा किसी इवेंट के की एनालिसिस की जा रही है आपके हिसाब से स्टेट वैक्टर अलग है आपके हिसाब से पोजिशन अलग है स्टेट अलग है आपके मित्र के हिसाब से पोजीशन यानी स्टेट अलग है आपके हिसाब से है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और आपके मित्र के हिसाब से है आर डस इज ईकल टू एक्स डेस आई प्लस वाई डस जे प्लस जेड डेस के अब इन दोनों स्टेट्स में यानी दोनों पोजिशन वैक्टर्स में किस प्रकार हम आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं इसको समझना है कि इन दोनों के बीच कैसे रिलेशन निकाले यानी कि अगर आपका मित्र आपको बता देता कि मेरा आर ये है तो आप कैसे बता पाते कि आपके आर की वैल्यू क्या होगी या अगर दोनों के हिसाब से पोजीशन वेक्टर निकाला जा रहा है तो फिर ओ और ओडेस में आपस में किस प्रकार संबंध स्थापित किया जा सकता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वेक्टर डायग्राम को एक बार पुनः गौर से देखिए पार्टिकल पी पर ओ और ओडेस से दो वेक्टर बनाए गए हैं वेक्टर आर और वैक्टर आरडेस और एक ओ और ओडेस के बीच में जो रेड कलर की एक्स एक्सेस दिख रही है उसको भी अगर एक साइड एक भुजा मान लिया जाए तो अब क्लास इलेवेंथ में आपके द्वारा पढ़ा गया है ट्राइंगल लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या कहता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ओ ओडेस पी जो एक ट्रायंगल है या ओ पी ओडेस जो एक ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ओ ओडेस वेक्टर और आरडेस वेक्टर को यदि हम जोड़ दें तो ये आर वेक्टर के बराबर होगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक ट्रायंगल की दो साइड्स जो सेम ऑरिएंटेशन ऑफ डायरेक्शन में है उनको ऐड करने पर जो तीसरी साइड अपोजिट ओरिएंटेशन में है वो रिजल्टेंट कहलाती है अर्थात ओ और ओडेस और ओडेस और पी को अगर आप देखें तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगे और आर वेक्टर को यदि आप देखें तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है तो ट्राइंगल के नियम के मुताबिक ओ ओड और ओड पी यानी एक्स एक्सिस रेड कलर की और आरडस जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल पी का ओडेस फ्रेम में उन दोनों को जोड़ने पर हमें आर वेक्टर प्राप्त हो रहा है पोजीशन वेक्टर प्राप्त हो रहा है वो ओ फ्रेम के रेस्पेक्ट में इतनी बात को समझते हुए एक बार अच्छे से चित्र को आप लोग देख लीजिए अच्छे से समझिए आगे बढ़ते हैं अब इन दोनों फ्रेम के बीच में क्या संबंध स्थापित किया जाना है इसी को हम आगे अध्ययन करेंगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये आर और आर डेस के बीच जो हम रिलेशन स्थापित कर रहे हैं यानी आर इज इक्वल टू ओ ओ एस प्लस आर डेस जो ये रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस रिलेशन को ही हम गैलेलियन ट्रांसफॉर्म कहते हैं और गैलेलियन ट्रांसफॉर्म इसे कब कहते हैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्म और कब नहीं कहते हैं गैलियन ट्रांसफॉर्म इस बात को हम डिटेल में समझते हैं लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ओ और ओडेस जो दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं दो अलग अलग निर्देश फ्रेम हैं इनके बीच आपसी संबंध कैसा होने पर ये निर्देश फ्रेम इनर्शियल या नॉन इनर्शियल बनते हैं तो यहाँ पर चर्चा करना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है तो जैसा कि आपने अभी पीछे वाले लेक्चर में इसमें देखा कि ओ और ओडेस दो निर्देश फ्रेम है अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो दो निर्देश फ्रेम है जो किसी पार्टिकल पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दो निर्देश फ्रेम आपस में कब इनर्शियल कहलाते हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के लिए क्या क्या शर्त होती है अब तो टू फ्रेम्स आर सेट टू बी इनर्शियल इफ नंबर वन बोथ आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर अर्थात रेड कलर का फ्रेम ओ आप है ओडस ब्लू कलर का फ्रेम आपका मित्र है पी कोई इवेंट है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं मान लीजिए जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि आप और आपका मित्र ग्राउंड पर खड़े हैं पी पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है जिसको आप दोनों देख रहे हैं तो आप और आपका मित्र आपस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब कहलाएंगे आप और आपका मित्र इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे जब पहली कंडीशन ऑबे होगी या तो दोनों के दोनों क्या होंगे रेस्ट पर होंगे यानी आप भी रुके हुए हैं और आपका दोस्त भी रुका हुआ है या ऐसा कह लेते हैं आप और आपका दोस्त आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो या तो आप दोनों रेस्ट पर होने चाहिए दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन है कि बोथ आर इन यूनिफॉर्म मोशन विद रेस्पेक्ट टू तो इच अदर या तो आप और आपका मित्र दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में होने चाहिए यूनिफॉर्म मोशन मतलब नो no एसेलेशन जो तीसरी कंडीशन हमने रखी है कि देयर इज नो एसेलेशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई एसिलरेशन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में जो ये दो निर्देश फ्रेम है ओ और ओडेस आपस में जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं एक बार पुनः बता रहे हैं कि लेट अस कंसीडर पी इज द पार्टिकल ऑब्जर्वड बाय टू रेफरेंस फ्रेम ओ एंड ओडेस दीज टू रेफरेंस फ्रेम ओ एंड ओडेस आर सेट टू बी इनर्शियल इफ बोथ द फ्रेम्स आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू इच अदर और बोथ द फ्रेम्स आर इन यूनिफॉर्म मोशन विथ रेस्पेक्ट टू इच अदर दैट मीन्स देयर शुड बी नो एसेलेशन बिटवीन ओ एंड ओडेस ध्यान रहे ओ और ओडेस का आपस में कोई एसेलरेशन नहीं होना चाहिए आपस में या तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होने चाहिए और आपस में या तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन पर होने चाहिए जबकि पार्टिकल पी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है पार्टिकल पी में मोशन हो सकता है पार्टिकल पी में एसेलरेशन हो सकता है पार्टिकल पी रेस्ट में भी हो सकता है दोनों फ्रेम से देखने पर किंतु हमें जिस बात को फोकस करना है वो बात है कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होने के लिए जो आवश्यक है वो है कि पहला फ्रेम ओ और दूसरा फ्रेम ओड आपस में या तो रेस्ट पर होने चाहिए या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन पर होने चाहिए अगर ये रेस्ट पर या यूनिफॉर्म मोशन पर होंगे तभी हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि मान लेते हैं कि अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि वो एक आप आप और आपका मित्र ग्राउंड पर खड़े हैं और वो किसी बर्ड के मोशन को देख रहे हैं तो यहां पर बर्ड पार्टिकल हो जाएगी और आप और आपका मित्र निर्देश फ्रेम हो जाएंगे अब अगर बर्ड मोशन में है अगर बर्ड रेस्ट में है तो ठीक हो गया आप दोनों को बर्ड रेस्ट में दिखेगी अगर बर्ड में मोशन है वेलोसिटी है तो आप दोनों को बर्ड मूव करते हुए दिखेगी ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड के मोशन में यूनिफॉर्म मोशन न हो के बर्ड के मोशन में एक्सीलरेशन हो यानी बर्ड पेड़ में बैठी थी और अचानक वहाँ से उठी और तेजी से उड़ने लगी तो इसका मतलब रेस्ट से वेलोसिटी आने लगी इसका मतलब एसेलरेशन है पर आप लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में अगर बर्ड के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो कब इनर्शियल फ्रेम होते हैं मान लीजिए कि आप दोनों दो रेफरेंस फ्रेम किसी बर्ड या किसी पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो यदि दोनों फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर जो बर्ड में एसलरेशन आता है वो सेम होता है यानी आपके द्वारा जो बर्ड का एसिलरेशन निकाला गया आपके दोस्त के द्वारा जो बर्ड का एसेलरेशन निकाला गया अगर उसका मान बराबर आता है तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि आप और आपका दोस्त आपस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बधे हैं मान लीजिए कि आपके द्वारा बर्ड पर जो फोर्स महसूस किया जा रहा है ग्राउंड की ओर को एम जी दिखा आपको महसूस हो रहा है और आपके दोस्त के द्वारा भी बर्ड पर वही फोर्स महसूस हो रहा है सेम फोर्स दोनों के द्वारा महसूस हो रहा है बर्ड के ऊपर तो इसका मतलब आप दोनों इनर्शियल फ्रेम है और जब हम इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तो किसी भी पार्टिकल पर किसी प्रकार का सूडो फोर्स नहीं लग रहा होता है सूडो फोर्स को हम बाद में समझेंगे उस वक्त मैं इस बात को रिपीट करूंगा तो अब आप समझ गए कि आपके दो रेफरेंस फ्रेम ओ और ओडेस हैं पार्टिकल पी की स्टडी कर रहे हैं आप कब आप इनर्शियल होंगे यदि आप दोनों आपस में रेस्ट पर हैं यानी फ्रेम ओ और फ्रेम ओडेस अगर रेस्ट में है तब इनर्शियल होंगे फ्रेम ओ और ओडेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी इनर्शियल होंगे अगर दोनों फ्रेम नॉन एसिलेटेड मोशन में है तब भी इनर्शियल होंगे एक्चुअली में नॉन एसिलेटेड मोशन का मतलब ही यही हुआ कि ओ और ओडेस के बीच में आपस में एसेलरेशन शून्य है अर्थात या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है और पार्टिकल पी के हिसाब से अगर बात करें तो यदि पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी ओ को महसूस होती है जो एसेलरेशन ओ को महसूस होता है वही एसेलरेशन ओडेस को महसूस होता है अगर दोनों फ्रेम को पार्टिकल P का सेम एसेलरेशन महसूस होता है तो इसका मतलब दोनों आपस में इनर्शियल फ्रेम है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको आगे और अच्छे डिटेल में समझेंगे लेकिन अभी आप इन तीन बिंदुओं पर फोकस कीजिए कि यदि दो रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइदर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर दोनों फ्रेम के द्वारा किसी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन प्राप्त किया जा रहा है वो सेम प्राप्त किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे ठीक तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं अगली क्लास में और डिटेल में इसको समझते हैं ठीक है ओके